हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार सिंह फिर से एक बार आपका स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल। दोस्तों, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये हमारी ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियो है। जी सर, ऑनलाइन लाइव क्लासेस की वीडियो है, जहां आप सीखेंगे एडवांस सॉर्टिंग एक्सेल इन 2065 में। तो ये लाइव क्लासेस चल रही है हमारे साथ, जूम ऐप के थ्रू कुछ लोग जुड़े हुए हैं और मेरे साथ लाइव पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और आप भी इसको ऑब्जॉर्व कीजिए। आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आप मेरे साथ ऑनलाइन लाइव क्लास लेना चाहते हैं, फिर भी आप मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, और आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस सॉर्टिंग मेथड के बारे में। उससे पहले हमने कल आपको एक क्वेश्चन दिया था, उस क्वेश्चन के बारे में एक बार हम आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को दिनेश जी ने बनाया नहीं है, इसलिए हम बताते हैं कैसे होगा क्वेश्चन। सबसे पहले जानिए उसका बेसिक कंसेप्ट कि मैंने आपको पूछा क्या था। तो उससे पहले हमने आपको बताया क्या था ये जान लीजिए। तो मेरा प्रॉब्लम ये था कि एक एक सेल में, सॉरी एक एक रो के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, ठीक है, एक ब्लैंक रो। अगर आप मैनुअल करते हैं, आपके पास 10-20 हजार या लाख 1.5 लाख का डेटा है, तो मुझे लगता है सर महीना तो लग जाएगा। सर मैक्रो रन करवा देंगे। ठीक है, मैक्रो रन करवा सकते हैं, लेकिन बात क्या है ना सर, मेरी एक हमारे यहाँ कहावत है कि सांप को मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं पड़ती है, लाठी काफी है। समझ गए? तो हाँ, सांप को मारने के लिए तोप की जरूरत नहीं है, लाठी काफी है। सर, तो कहने का मतलब है जैसा जो प्रॉब्लम है उसी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग सोल्यूशन लेना पड़ेगा ना सर। वीजीए मैक्रो प्रोग्रामिंग जब हम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमें सिचुएशन होती है रिपीटेड जॉब और लेंथी जॉब, दो ही अप्लाई करते हैं। ऐसे छोटे छोटे वीडियोस के लिए वीजीए कोडिंग करते रहे तो पूरा दिन आप वीजीए करते रहेंगे और आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी हो जाएगी जीरो। समझ गया ना? तो वीवीए का यूज जो है, अब बारिश जारी की बात है ना सर, हम गाड़ी से चाहते, हम फोर व्हीलर लेके चाहते तो है, लेकिन क्या सब जगह फोर व्हीलर लेके जाते हैं? अब आपको जाना होगा दिल्ली के क्या बोलते हैं, पुराने दिल्ली के जो चांदनी चौक के जो गलियां हैं, उस गली में आपको फोर व्हीलर तो नहीं जाएगा। वहां सुटेबल क्या है? बाइक ही है ना। हाँ, बाइक और साइकिल। हाँ, तो सेम चीज हमें प्रॉब्लम सॉल्यूशन करने के लिए च्वाइस करना पड़ता है कि क्या करें इसमें हम, ठीक है। तो इसके लिए हमने कुछ नहीं किया, एक सिंपल सा एक कॉलम ऐड किया, यहां पे देखिए, और फिर हमने इसी कॉलम को कॉपी करके नीचे रिपीट कर दिया। तो जब हम सॉर्ट करते हैं तो क्या होता है कि दो नंबर, मान लीजिए हम इसके अकॉर्डिंग सॉर्ट करेंगे तो वन और वन दोनों इकट्ठा हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है सॉर्ट होती है, सिंपल एक सेल वैल्यू नहीं जाता है, पूरा का पूरा रो जाता है। तो इसमें पूरा रो को उठाएगा और यहां पे डाल देगा, तो एक डेटा आएगा और एक ब्लैंक आएगा। तो सेम कंसेप्ट यहां हमने यूज किया जो कि कल की क्लास में हमने समझाया था, कस्टम शॉट, और यहां पे हमने सीरियल नंबर एंड ओके कर दिया। आई थिंक लगा इसको करने में मुश्किल से मुझे 1 मिनट से भी कम टाइम लगा होगा, पर प्रोग्रामिंग से करते तो 1 मिनट से ज्यादा है। प्रोग्रामिंग कोई भी छोटा छोटा प्रोग्रामिंग लिखने में भी 5 से 10 मिनट का टाइम तो लग ही जाएगा सर। समझ गया सर, सब कुछ समझ में आया? एग्जाम्पल हाँ जी सर। आपकी स्क्रीन नहीं आ रही सर, स्क्रीन नहीं शो हो रही कुछ। मुझे स्क्रीन केवल एक सिंगल स्क्रीन शो हो रही है, इसमें कोई मूवमेंट शो नहीं हो रहा है सर। आपने दोबारा ज्वाइन किया है क्या? नहीं सर। एसपी से एक और ज्वाइन हुआ है। I don't know sir, but मेरे पास सिंगल स्क्रीन है जिसके अंदर मुझे लास्ट में मेरा ही नाम लिखा हुआ है, मेल आईडी है, मेरा नाम है, मेरा फोन नंबर है, ये शो हो रहा है, ये स्क्रीन शो हो रही है बस। एक मिनट जाइए, एक मिनट।
आई थिंक लग रहा है मैक्सिम है मतलब कि मिनिमाइज है आपका जूम। अब आया सर? हाँ सर स्क्रीन तो शो हो रही है लेकिन मतलब आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। दोबारा से ज्वाइन करता हूँ सर एक मिनट। ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आ गई ना सर? जी जी। अब मैंने क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन ये था कि मुझे हर एक के बाद नहीं इंसर्ट करना है, हमें हर तीन के बाद इंसर्ट करना है या पांच के बाद इंसर्ट करना है, वन टू थ्री और इसके बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, वन टू थ्री फिर ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, समझ गए? इस तरह से। अब आप बोलोगे कि इसकी जरूरत क्यों है, क्या जरूरत है सर इसकी? तो क्या होता है कभी कभी आपके पास कुछ ऐसा डेटा आता है जिसमें आठ या दस के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करके उससे आपको टोटल का कोड लगाना पड़ता है। हम आपको इसके बारे में भी बताएंगे थोड़ी देर में, ठीक है? हेलो शुभम जी, आवाज आ रही है? मुझे म्यूट है, आप अनम्यूट करें तो सुन पाऊंगा मैं। हाँ यस सर, सर अभी स्क्रीन शो हो रही है सर। ठीक। राधिका जी आपने ज्वाइन किया है क्या? हाँ। ओके, आपने भी नाम एसपी रखा हुआ है ना सर, इससे कंफ्यूजन है। मैंने रिकॉर्डिंग अलाउ कर दिया है, आप रिकॉर्ड कर लें। अच्छा। ऑल प्लस आप। तो क्वेश्चन था राधिका जी, कल क्वेश्चन आपसे भी मैंने पूछा था कि हर तीन के बाद हम एक ब्लैंक रो कैसे इंसर्ट करेंगे। मैं नेट पे सर्च किया, वो आपने जो मेथड बोली 1 2 3 4 5 वो या फिर VBA मेथड। मैम एक चीज जान लीजिए कि मेरी जो पूछी गई क्वेश्चन है वो शायद ही आपको इंटरनेट पे मिलेगा। अच्छा, समझ गया ना? क्यों? क्योंकि मेरी जो क्वेश्चन होती है वो रियल लाइफ से जुड़ा हुआ होता है। किसी ने किसी ऑफिस की किसी ने किसी स्टाफ की प्रॉब्लम होती है, स्टाफ कहते हैं कि मैंने आपसे पूछा और इंटरनेट पे गूगल पे गए, गूगल आवाज से पूछते हैं मुझे बता दिए। एक बहुत कम चांस मिलेगा, ठीक है? चलिए मैं बताता हूँ। देखिए सिंपल कंसेप्ट है, क्या कंसेप्ट है, हम यहाँ सीरियल नंबर देंगे, 1 को 3 बार लिख देंगे और फिर हम इक्वल करेंगे ऊपर प्लस वन। हमने क्या किया, L2 प्लस 1, यहां पे क्या आएगा 2 आ गया, फिर इसको नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। इससे क्या होगा कि हर नंबर 3 टाइम होगा, दिख रहा है दिनेश जी? जी सर। हर नंबर 3 टाइम, मैंने क्या किया, पहले 1 को हमने मैनुअली 3 टाइम लिख दिया और 5 है तो 5 टाइम, 10 है तो 10 टाइम, 2 है तो 2 टाइम आप यहां पे डाल देंगे। उसके बाद यहां आप क्या करेंगे, तो नीचे में सबसे ऊपर वाले में जाएंगे और एक प्लस वन कर देंगे, कॉमा लगाएंगे और सबसे ऊपर वाले में क्या करेंगे प्लस वन, फिर नीचे ड्रैग कर दीजिए तो हर नंबर आपका क्या हो जाएगा, उतने टाइम से रिपीट हो जाएगा जितना नंबर रो के बाद आपको इंसर्ट करना है। अब आप देखिए कि मैक्सिमम कितना है, 29 है। अब नीचे 1 कीजिए और यहाँ आपको 29 तक नंबर डाल दीजिए। मैं नंबर डालने के लिए सीरीज का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे 29, 1 से लेकर 29 तक का नंबर यहाँ पे आ जाएगा। आ गया? मेथड वही है कि जब हम सॉर्ट करेंगे तो 1 इसके नीचे आ जाएगा, एक रो ब्लैंक होगा और एक हमारा एक वैल्यू होगा। शुभम जी। यस सर। अब स्क्रीन आ रही है मेरी? नहीं सर, स्क्रीन आ रही है आपकी, दिखाई दे रही है लेकिन उसमें मूवमेंट कुछ नहीं हो रहा है, फ्रीज हो रखी है स्क्रीन। सर लग रहा है आप किससे ज्वाइन कर रहे हैं, ऐप से ज्वाइन कर रहे हैं या फिर इससे ज्वाइन कर रहे हैं? सर मैंने लैपटॉप में जूम को अभी ऐप का डाउनलोड करके उसमें रन करके आपका मीटिंग पासपोर्ट डाल के ज्वाइन करा है सर। सर इंटरनेट कौन सा आपके पास? सर ब्रॉडबैंड कनेक्शन है सर, GTPL का। तो पता नहीं आपके अंदर प्रॉब्लम, मेरे अंदर प्रॉब्लम होता है, सबको होता है ना सर। आप एक काम कीजिए, सेलफोन पे ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है? ठीक है सर, मैं सेलफोन पे ट्राई करूँगा। ठीक है सर।
आप मेरे एंड से प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, आपके एंड से प्रॉब्लम है, मुझे आपका पीसी स्टक हो रहा होगा। हाँ राइट सर, नो प्रॉब्लम सर, मैं सेल फोन से ट्राई कर लेता हूँ। ठीक है सर, अब मैं यहाँ इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे आता हूँ, जाता हूँ शॉटिंग पे, कस्टम शॉट, कस्टम शॉट पे सीरियल नंबर एंड ओके कर दिया। देखा सर, उसके बाद सीरियल नंबर को डिलीट मार दीजिए। दिनेश जी, राधिका जी और आसिफ जी अभी बैठ रहे हैं सर। यस सर, समझ में आया? अपने सीरियल नंबर 1 to 29 ऐसे क्यों डाला? 1 to 29 हमने इसलिए डाला क्योंकि जैसे शॉर्ट होगा, हमें नीचे यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब हम शॉर्ट करेंगे तो इसे वहां पे देखिए 3 1 है, जब नीचे शॉर्ट करेंगे तो ये जो 1 है ये 1 पूरी रो उठा के इसके नीचे आ जाएगा ना। हाँ, ब्लैंक आएगा। ओके ओके, राइट राइट, तो हमें एक ही नंबर, एक ही ब्लैंक लाइन स्पेस लगा ली है ना, इसलिए हमने सीरियल नंबर 1 2 3 5 सिंगल टाइम में डाला। अगर ये आपको दो दो डालना है तो यहाँ भी आपको 2 1 2 2 2 3 2 5 इसे करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है? अब चलिए इस पे एक ऑफिशियली एग्जांपल मैं देता हूँ जो कि मैंने कुछ दिन पहले ही एक स्टूडेंट का सॉल्व किया है। एक डेटा है जिसमें मान लीजिए प्रोडक्ट वाइज सेल है, डेट वाइज सेल है, या डिपार्टमेंट वाइज सेल है, इस तरह से है जो कि वो काफी ज्यादा है, 29 से भी ज्यादा है मान लीजिए, इस तरह से यहां पे दिया गया है। अब कम कर देता हूं, तो ज्यादा डेटा में आप लोगों को कंफ्यूजन हो जाएगी ना कि क्या हुआ। आपके ऑटोमेटिक नाम कैसे क्या आ गए? मैंने इसमें जो है रैन, इसमें क्या बोलते हैं, कस्टम लिस्ट हमने ऐड किया था, कल बताया था ना कस्टम लिस्ट। हाँ 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 राइट, वही कस्टम लिस्ट ऐड है। रैन बिटवीन का फॉर्मूला लगाया तो रैंडम नंबर आ गया हमारे पास। हाँ सर, हरी चांद जी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं जी। जी, इसी प्रॉब्लम से है या फिर आपके इसी टॉपिक से है, किसी और टॉपिक से है? किसी और टॉपिक से है सर। क्लास के बारे में पूछ लीजिएगा, इसलिए पहले ही पूछा आपसे। तो अब मुझे, मेरे पास इस आपके सामने डेटा दिख रहा है और मुझे इसमें क्या है कि हर एक प्रोडक्ट के बाद एक नया कॉलम को ऐड करना है, उससे परसेंटेज का सैंपल देना है और फिर इसको डिवाइड बाय 70। 70 क्या है? 70 हमारा टारगेट है, डिवाइड बाय 70 करना है और फिर नीचे की तरफ ड्रैग करके इसमें परसेंटेज का सैंपल लगाना है। बात समझे? तो ये हमारा सेल्स हो गया, ये हमारा टारगेट अचीव हो गया। तो यही काम मुझे हर प्रोडक्ट के लिए करना है। प्रॉब्लम समझ में आया? हाँ। राधिका जी? हाँ, प्रॉब्लम समझा। आसिफ जी, समझ में आया प्रॉब्लम? यस सर। ठीक, क्या है कि प्रॉब्लम समझना पहले, अगर प्रॉब्लम समझ जाते हैं तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान होता है। कहा जाता है ना, आवश्यकता अविष्कार की जरूरी है, तो सबसे पहले आवश्यकता को समझना होता है, अविष्कार तो अपने आप हो जाता है। तो यहाँ हमें कॉलम है, तो अब एक एक कॉलम वाइज में करूंगा तो काफी टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ तो 29 है, लेकिन हो सकता है 300, 400, 500, 1000, 1200 कॉलम्स हो सकते हैं, तो टाइम लगेगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन के छोटी सी एक ट्रिक यूज करते हैं। हम क्या करेंगे, 1 2 कॉलम, 1 2 नंबर दे देंगे यहाँ पे, नंबर या हम यहां से भी कर सकते हैं सीरीज में, यहां पे हमने दे दिया ओके कर, 1 to 29 हो गया। अब इसी को कॉपी करके इसके बगल में मैं रिपीट कर देता हूं। फिर आपने जो थर्ड रो वाला जो मेथड ये भी बताया था ना, मैं तो वो मेथड यहाँ पे भी यूज में ले सकते हैं क्या? जी हाँ। अभी तो एक एक कॉलम बाद है, मैं बताता हूँ ना सर, क्या एक ही बार कॉम्प्लिकेटेड चीज बता दूंगा तो सर घूम जाएगा ना सर। जी जी। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 1 से 29 तक लिखा और इसके बाद हमने यहाँ पे 1 से 29 को रिपीट कर दिया।
आतिफ जी ध्यान से देखिएगा, हमने यहाँ परसेंटेज दिया और परसेंटेज को हमने ड्रैग कर दिया, ड्रैग हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और हमने बताया था कल सॉर्टिंग लेफ्ट टू राइट, इसको सिलेक्ट करेंगे और हम करेंगे सॉर्ट। तो कस्टम सॉर्ट में हमारे पास यहां ऑप्शंस में लेफ्ट टू राइट होता है, क्या होता है लेफ्ट टू राइट। ये क्या करता है कि सॉर्ट जो है हॉरिजॉन्टल नहीं, मतलब वर्टिकल नहीं, हॉरिजॉन्टल कर देता है। देन ओके, देन ओके, इसमें सिलेक्ट करना पड़ेगा रो वन, वो पहले रो है इसके हिसाब से, टू हो गया वन एंड ओके। तो आपने देखा कि हर एक कॉलम के बाद एक नया कॉलम ऐड किया और यहां से हमारा ब्लैंक जो है जो परसेंटेज आ गया। अब बात आती है इसमें मैं किस तरीके से डिवाइड करूंगा 70 से। तो एक मेथड समझिए, एक सिलेक्टेड एरिया में किसी भी तरह की टाइपिंग आप कर सकते हैं, एंटर नीचे आ जाएगा। देखिए आप एंटर ना प्रेस करके कंट्रोल एंटर प्रेस करेंगे तो कॉपी करके पूरे एरिया में डाल देगा। तो मुझे क्या करना है कि इसमें जितने भी ब्लैंक्स है उस ब्लैंक को सिलेक्ट करना है। तो इस तरह से वन बाय वन करेंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो याद कीजिए अपनी सिलेक्शन मेथड की क्लासेस जहां हमने बताया था फाइंड एंड रिप्लेस में गो टू स्टेशन, और गो टू स्टेशन में हमने सिलेक्ट कर लिया ब्लैंक, हो गया। अभी A1 है बट मुझे तो चाहिए कहां C3 पे, टैब प्रेस कीजिए C3 पे आ गया, यहां C3 हो गया, कुछ एक्स्ट्रा भी सिलेक्ट हो गया, कोई बात नहीं बाद में डिलीट कर देंगे। फिर हम इसको सिलेक्ट करके डिवाइड बाय 70 कर देंगे। अब यहां पे मैं नॉर्मल एंटर ही प्रेस करूंगा, क्या प्रेस करूंगा कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर। जितना भी सिलेक्टेड है सब में जो है फॉर्मूले की कॉपी पेस्ट मार दिया, और जो फॉर्मूला कॉपी पेस्ट होता है तो रेफरेंस चेंज होता है, जो B3 है तो नीचे B4 B5 B6 ऐसे यहां पे D हो गया होगा। अब मैं इसे परसेंटेज का सिंबल देता हूं, उसके बाद मैं यहां पे इसको डिलीट कर दिया और यहां पे इसको डिलीट कर दिया, हो गया सर परफेक्ट। आसिफ जी या इट वाज फैंटास्टिक सर। असल इसमें एक चीज और हम बताते हैं, एक तरीका और बताते हैं। शुभम जी अभी स्क्रीन दिख रही है साफ सर? यस सर, मोबाइल पे स्क्रीन आ रही है सर, अभी दिख रही है एकदम। हाँ वो सर आपकी पीसी की प्रॉब्लम थी। हाँ दिनेश जी कुछ पूछ रहे थे क्या? नहीं सर। कौन पूछ रहा है कोई? सर मैं पूछ रहा हूँ संतोष। बोलिए सर। सर मैं अभी जो हैश रेफरेंस आया था वो आया था सर, रेफरेंस आया था ना इसमें, आप बोले थे रेफरेंस आया था। बेसिकली एरर था ना सर, हमने यहाँ पे इसके सामने कोई आगे कोई वैल्यू नहीं है ना। जैसे मान लीजिए ना हमने क्या बोला, हमने क्या बोला 23 डिवाइड बाई 30 आएगा यहाँ पे। अब मैं इसको कॉपी करूंगा तो ए के बाद तो कोई कॉलम नहीं ना होता है सर, तो रेफरेंस ही आएगा ना। अच्छा मैं आपको रेफरेंसिंग सिस्टम तक पढ़ाऊंगा एरर के बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा आगे। चलिए हम दूसरी चीज बता रहे थे कि मेरे पास यहां पर नेम है, क्वांटिटी है, एमआरपी है, ठीक है, टोटल है, और यहां पे आसिफ जी बोलिए। सर अगर अभी तो सीरीज मालूम था आपका, मतलब आफ्टर 3 रोज यू हैव इंसर्टेड 1 ब्लैंक कॉलम ब्लैंक रोज, सपोज इफ दिस सीरीज इज नॉट क्लियर, मतलब ये है कि 10 सिटी है 11 सिटी है, लेकिन मेरा क्या चाहिए, मतलब आफ्टर एवरी सिटीज
it should be create one blank column. उसके लिए हमें सब टोटल का इस्तेमाल करना पड़ेगा. ओके सर. वो आगे बताऊंगा सर मैं आपको. ठीक है. ठीक है सर. दूसरी चीज है अगर आपके पास कुछ ऐसा नहीं है तो फिर उसके लिए मैनुअल लेना पड़ेगा या फिर उसके लिए फिर कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा. ठीक है सर. ठीक है. क्योंकि क्या सिस्टम चलता है कंडीशन पे. अगर इसको कंडीशन मिल रहा है तभी परफॉर्म करेगा. कंडीशन नहीं मिल रहा है तो ये परफॉर्म नहीं करेगा. इसलिए तो ये इंसान की तरह नहीं सोचता है. रीजन यही है क्योंकि हम कोई कंडीशन पे नहीं चलते. ये है ना सर. मतलब हमारा इधर तो क्या है मतलब हेल्थ फैसिलिटी है राइट. क्लिनिक हॉस्पिटल. आपकी कॉलम ऐड करना है रो ऐड करना है आपको. मेरे तो रो ऐड करना क्योंकि मत आफ्टर रो ऐड करना है तो उसके लिए सब टोटल है सर. मैं बताता हूँ. चलिए मैं बता ही देता हूँ. चलिए यहाँ पे सेल्स में सिंपल सा कंसेप्ट है. मैं बताता हूँ. और यहाँ पे हम रैंक बिटवीन का फॉर्मूला लगाते हैं. अब जैसे कि यहाँ पे क्या है कि कई सारे नेम है राइट. मैं चाहता हूं कि हर नाम के बाद एक ब्लैंक कॉलम ऐड हो. सबसे पहले तो नाम को मैं शॉर्ट कर देता हूँ. नाम शॉर्ट हो गया. अब इसमें क्या है कोई नाम 29 बार है कोई नाम कम बार होगा कोई नाम 10 बार ही होगा कोई 5 बार ही होगा. नंबर ऑफ टाइम्स रिपीटेशन किसी का कम है किसी का ज्यादा है वगैरह वगैरह. लेकिन मुझे हर नाम के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है टोटलिंग के लिए या किसी चीज के लिए. समझ गए. तो ऐसे तो सॉर्टिंग या कोई मेथड नहीं हो सकता क्योंकि वो तो एक पर्टिकुलर नंबर के अकॉर्डिंग ही चलेगा ना सर. हेलो. यस सर यू आर राइट. ये पिवोटेबल में होता है लेकिन मैं तो एक्सेल में होना चाहिए. इसके दो तरीके हैं. पहला तरीका है कि आप चले जाइए डेटा मेनू बार में. ठीक है. डेटा मेनू बार के अंदर में यहां आपको दिखेगा सब टोटल. सब टोटल किसको सब करना है इसको सेव करना है किसके बिहाफ किसको टोटल मतलब कि सम किसका चाहिए. तो हमने बोला सेल्स का. और टोटल किसके बिहाफ पे चाहिए तो मेन हो सकता है. इसमें बहुत सारे कॉलम्स हो उसमें आप जिसके हिसाब से सिटी आप चाहो सेलेक्ट कर लीजिए. देन ओके. उसके बाद ये बाकी चीज आ जाती है जिसको आप यहाँ से ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं. कोई बात नहीं. पूरा सिलेक्ट करके फसा है अनग्रुप कॉलम. अब देखिए आ गया सर टोटल आ गया. लेकिन बोलेंगे सर मुझे तो ब्लैंक चाहिए था तो टोटल आ गया. तो क्या करेंगे इसके लिए ब्लैंक करने के लिए हम फिल्टर लगाएंगे इसके ऊपर और फिल्टर में यहां कंटेन देंगे टोटल. हमने कंटेन क्यों दिया क्योंकि यहां पे अमर टोटल है पूजा टोटल है. हमें सिर्फ टोटल वर्ड को पकड़ना है. सारे टोटल वाले यहां दिख गए आपको. अब इसको सिलेक्ट कीजिए और डिलीट कर दीजिए. लेकिन ध्यान रखिएगा फिल्टर में कोई डिलीशन करते हैं तो डायरेक्ट डिलीट नहीं करेंगे आप जाएंगे अपने होम मेनू बार के फाइंड एंड सिलेक्ट के गो टू स्पेशल में और सिलेक्ट करेंगे आप विजुअल सेल्स ओनली. क्या सिलेक्ट करेंगे विजुअल सेल्स ओनली. तो क्या होगा जो डेटा विजुअल है सिर्फ वही सिलेक्ट होगा. फिर उसको पकड़िए और डिलीट कर दीजिए. इनका शॉर्टकट भी है कंट्रोल जी. हाँ जी कंट्रोल जी. अब दूसरा तरीका क्या था. ये तो एक तरीका था. दूसरा तरीका ऐसा था सब टोटल अगर ना करूं तो तरीका क्या होगा. चलिए तो उसके लिए आपको सॉर्ट करना होगा. एक बार सॉर्ट करने के बाद आपको मैनुअली यहाँ पे वन लिखना है राइट. एक फॉर्मूला लगाना होगा इसका. इस अगर ऊपर वाली वैल्यू अपने से ऊपर वाली वैल्यू की इक्वल है तो अपने ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर दो. नहीं अपने ऊपर वाली वैल्यू ही शो करे अदरवाइज प्लस वन कर दे. इतना तो ये फॉर्मूला है. इफ अगर आपको आता होगा तो समझ जाएंगे वरना नहीं समझ पाए तो वेट कीजिएगा इसकी क्लास में. ठीक
इससे क्या हुआ कि हर एक नंबर को एक सीक्वेंस नंबर मिल जाएगा उतना ही बार जितना बार वो रिपीट हो रहा है। दिख गया सर? Yes, sir, it's, this one is good. इसके बाद की चीजें तो आपको पता ही है ना, क्या पता है सर? नहीं, इसको हम उतना रिपीट करेंगे 12 टाइम, फिर शॉर्ट कर, इसको शॉर्ट कर देंगे सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग, या सीरियल नंबर देना पड़ेगा, शॉर्ट कर देते तो तरीका है। बट क्या ना सर, हमारे आम भाषा में बोला जाता है जुगाड़ लिखना होता है बस। हो गया सर? Yes, sir. जो कंसेप्ट आपको अच्छा लगे वो अपना लीजिए। कोई बोल रहा था ना सर क्या यूज है, अरे मिल गया यूज लाइव? यस सर। चलिए ठीक है सर, आगे बढ़े। हेलो, चलिए यहाँ पे नेम है हमारा, और नेम नीचे करता हूँ, ऊपर रखता हूँ। यहाँ हमारा क्वांटिटी है, यहाँ हमारा MRP है। अब मुझे क्या करना है, अब इसमें क्या है, मंथ वाइज है, ज्यादा हो गया। हाँ टाइम ओवर होने वाला है सर, दिसंबर ही तक था ना, यहाँ हुआ ना आपका जैन का है, मार्च मई अप्रैल जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर आ गया। अब मेरे पास कभी इस तरह का डेटा आया था, दिख रहा है सर? और यहाँ पे फिगर है, ये जितना भी एग्जांपल मैं बता रहा हूँ किसी न किसी ऑफिस की रियल टाइम प्रॉब्लम है सर, जो किसी न किसी स्टूडेंट ने या फिर हमारे यूट्यूब व्यूअर ने मुझसे पूछा हुआ है। अब मुझे इसमें हर एक के बाद एक ब्लैंक रो इंसर्ट करना है, किसके लिए? MRP के लिए, इससे क्या बोलते हैं, अमाउंट के लिए, और फिर उसमें हमें इनका कैलकुलेशन करना है, समझे? तो कैसे होगा? अब यहां पे प्रॉब्लम है कि ऊपर की वैल्यू जो है हमारी वो क्या है, मर्ज है। तो मैं जैसे देख पा रहा हूं कि एक एक के बाद यहां मैं दो दो वैल्यू फिक्स है इससे, यहां पे है ना सर? तो यहां पे इंसर्ट किया, इंसर्ट करने के बाद यहां पे वन वन किया, दो डाला और इसमें हमने प्लस वन कर दिया। और इसको हमने वन करना था ना, माफ किया, 12 टाइम हो गया। अब यहां पे हम जो है 1, 2, 3, 4 ऐसे हम 12 तक ड्रैग कर देते हैं। और फिर सेलेक्ट करते हैं, और फिर यहां आते हैं कस्टम शॉट ऑप्शन लेफ्ट टू राइट, यहां पे देते हैं रो वन एंड ओके। अब शॉर्ट नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ शॉर्ट सर? क्योंकि मर्ज सेल है, तो मर्ज सेल भी शॉर्ट नहीं होगा। एक बार तो मैं अनमर्ज कर देता हूं, उसके बाद फिर इसमें मैं शॉर्ट कर लूंगा।
तो एक ही मैं एग्जाम्पल बताने का पर्पज यही था कि जब आपके डेटा में हेडिंग मर्ज होंगे तो आपका डेटा शॉर्ट नहीं होगा, तो सिलेक्ट करके आप अनमर्ज करें फिर डेटा को शॉर्ट करें। शॉर्ट करने से पहले हमने गलती कर दी, हमने यहाँ पे हेडिंग अमाउंट नहीं डाला, यानी इसे मुझे अमाउंट डालना है, बाद में अमाउंट डालने में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी सर। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ, यहाँ रो वन शॉर्ट हो गया। उसके बाद मैं फिर इसको तीनों को मर्ज कर देता हूँ और फिर इसको आएगा तब ड्रैग कर देता हूँ। सभी सर अब मुझे इसमें मल्टीप्लाई करना है, तो यहां पे मैं करता हूं कंट्रोल जी स्पेशल, यहां पे करता हूं मैं ब्लैंक, जितना ब्लैंक है ये पूरा ब्लैंक हमारा हो गया। आ गया इसमें ब्लैंक हमने जो कर लिया तो ऊपर वाला भी इसमें भी प्रॉब्लम आ गई, ठीक है सर, क्योंकि इसमें भी मर्ज ब्लैंक होता है। तो ऐसी प्रॉब्लम होगा तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा डेटा को कॉपी करेंगे किसी और सेल पे ले जाते हैं, पेस्ट करते हैं और यहां पे कंट्रोल जी करेंगे और यहां पे करेंगे ब्लैंक जाना है हमें डी टू। हाँ अब आया, सिलेक्शन कर दिया तो फिर आया, फिर इसको सिलेक्ट किया मल्टीप्लाई पे इसको कंट्रोल एंटर, कंट्रोल और फिर वापस इसको कॉपी कीजिए और डाल दीजिए। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, फिर अगली क्लास में हम बाकी चीजों पे डिस्कस करेंगे, ठीक है सर? ठीक है सर। तो डाउट या क्वेश्चन हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी सर। ओके बाय। Bye.